देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा, आप देख रहे हैं प्राइम चर्चा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना छठा और दूसरे कार्यकाल का पहला बजट विधानसभा में पेश किया। सरकार ने 6,15,518,97,00,00 रुपए का बजट पेश किया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बजट को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बजट पर सवाल उठाया है। अखिलेश ने बजट को बांटने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट आंकड़ों का मकड़ जाल है, ये बजट नहीं बंटवारा है। उन्होंने कहा कि ये किसानों को दोगुना करना चाहता है। क्या मुफ्त राशन की योजना चलती रहेगी? उन्होंने कहा कि इस बजट से गांव के लोगों में उदासी है, गांवों से किया वादा सरकार ने पूरा नहीं किया है। युवा ने सोचा था कि रोजगार मिलेगा, लेकिन सिर्फ आंकड़ों में नौकरियां हैं। गरीबों के लिए किसी प्रकार की योजना नहीं बन पा रही है, सरकार नहीं बना पा रही कोई भी योजना। वहीं बसपा प्रमुख का भी ट्वीट सामने आया है। बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा है कि यूपी सरकार का बजट प्रथम दृष्टया घिसा पिटा और अविश्वसनीय तथा जनहित एवं कल्याणकारी में भी खासकर प्रदेश में छाई हुई गरीबी, बेरोजगारी और गड्ढा युक्त बदहाल स्थिति के मामले में अंधे कुएं जैसा है। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं विपक्ष द्वारा, जिससे यहाँ के लोगों के दरिद्र जीवन से मुक्ति की संभावना लगातार छीन होती जा रही है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, यूपी के करोड़ों लोगों के जीवन में थोड़े अच्छे दिन लाने के लिए कथित डबल इंजन की सरकार द्वारा जो बुनियादी कार्य प्राथमिकता के आधार पर होने चाहिए थे वो किए गए हैं। स्पष्टता नीयत का अभाव है, तो फिर वैसी नीति कहां से बनेगी? जनता की आंख में धूल झोंकने का खेल कब तक चलेगा? कई सवाल उठाए हैं विपक्ष ने। सपा की तरफ से, बसपा की तरफ से दोनों हमलावर नजर आए हैं। और अगर बात करी जाए बजट की, तो बजट इस बार काफी बड़ा है, लेकिन बात करें विपक्ष की तो विपक्ष इस बजट को लेकर भी घेर रहा है। बजट की बात करी जाए तो 3 महिला PAC बटालियन गठित होगी। कई चीजों का तोहफा दिया गया है प्रदेश की सरकार ने प्रदेश की जनता को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत टॉपर छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। मिशन शक्ति को 20 करोड़ का बजट, 5 साल में 2 करोड़ फोन और टैबलेट भी बांटेगी सरकार। युवा अधिवक्ताओं के लिए 10 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं, 3 साल तक किताब और पत्रिका खरीद सकेंगे। बनारस में क्रिकेट स्टेडियम के लिए 95 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मेरठ में ध्यानचंद यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़, 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य भी रखा गया है। माध्यमिक शिक्षा में 7,540 पदों पर भर्ती की जाएगी। मेडिकल कॉलेज में 10,000 पद भी भरे जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन में 500 रुपए से बढ़ाकर अब 1,000 रुपए कर दी गई है। वहीं दिव्यांगों की बात करें तो दिव्यांगों को जो राहत राशि दी जाती थी 300 रुपए, उसको भी बढ़ा दिया गया है और 1,000 रुपए कर दिया गया है। कई बड़े तोहफे दिए गए हैं, लेकिन अब एक सवाल ये भी उठता है कि जो घोषणा पत्र के वादे और दावे पूरे करने की बात थी, तो वो क्या इस बजट के माध्यम से पूरे हुए हैं? इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन महिला सुरक्षा की बात करी जाए, किसान कल्याण की बात करी जाए, बाल कल्याण की बात करी जाए, सामाजिक सुरक्षा के संकल्प की बात करी जाए, तो इन सब चीजों को शामिल किया गया है बजट में। सीएम लघु सिंचाई योजना के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही एक्सप्रेसवे, सोलर लाइट, सोलर पंप के लिए भी बजट पेश किया गया है। कानपुर मेट्रो के लिए 747 करोड़, आगरा मेट्रो के लिए 597 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। हर क्षेत्र के लिए ये एक आदर्श बजट साबित हो रहा है, लेकिन विपक्ष अपना काम बखूबी कर रहा है। वो कई सवाल उठा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें कमियां दिखा रहा है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस बजट में सच में कमियां हैं, या फिर ये कमियां सिर्फ विपक्ष द्वारा उत्पन्न करी जा रही हैं? कई सवाल हैं जिसपे आज हम चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्रियों से भी चर्चा करेंगे कि पिछली बार और इस बार के बजट में क्या कुछ अंतर है। पिछली बार से इस बार का जो बजट है उसकी राशि भी बढ़ाई गई है, उससे क्या कुछ फायदे होंगे हर क्षेत्र में, वो चाहे धार्मिक हो, अयोध्या हो, अयोध्या की सड़क हो, गंगा से जुड़े हुए अन्य प्रोजेक्ट हो, जल से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हो, बाल सुरक्षा, बाल स्वास्थ्य, वायरस को देख लिया जाए तो वायरस से संबंधित भी इस बार बजट पेश किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बदलाव के लिए बजट लाया गया है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इस बार का जो बजट है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है।
लेकिन फिर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो इस पे चर्चा करना भी लाजमी हो जाता है कि आखिर जो दावे वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए। अगर वादे किए गए थे तो वो पूरे क्यों नहीं किए गए, जबकि सरकार द्वारा ये कहा जा रहा था कि हर एक वादा पूरा किया जाएगा घोषणा पत्र का। तीन ऐसे वादे भी हैं घोषणा पत्र के जो कहे गए थे लेकिन पूरे नहीं किए गए, जिसमें से सबसे पहला है कि सरकार द्वारा कहा गया था कि सिंचाई के लिए बिजली फ्री दी जाएगी, उसका भी कहीं जिक्र देखने को नहीं मिला। महिलाओं के लिए बस में सफर मुफ्त करने की बात कही गई थी तो वो भी कहीं देखने को नहीं मिला है। इसी तरह के कुछ ऐसे वादे हैं जो कि सरकार द्वारा किए गए थे लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि महिलाओं की मौजूदगी बढ़ाई गई है पुलिस में महिलाओं को वरीयता दी गई है, और साथ ही साथ ऐसी कई और चीजें हैं जिसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। तो क्या इस पे सवाल अभी भी खड़े किए जा सकते हैं, इसमें अभी भी कमियां हैं, क्या इन कमियों को भी दूर किया जा सकता था? हाईटेक बनाया जा रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, इंडिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या इसमें और बदलाव किए जा सकते थे, बजट को और बढ़ाया जा सकता था? हालांकि इतिहास का, यूपी के इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा बजट है, लेकिन फिर भी सवाल उठा रहा है विपक्ष, क्या इससे भी संतुष्ट नहीं है? आखिर क्यों संतुष्ट नहीं है? आखिर अखिलेश ने जो कहा है वो क्यों कहा है? सवाल तो कई खड़े होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बजट की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपना बजट पेश करने के बाद क्या कुछ कहा है वो सुनिए। प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिस पर ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है। इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई तत्काल की जा रही है। प्रदेश के जनपदों में 2740 महिला पुलिस कर्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया है। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 3 महिला PSC बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं का गठन किया जा रहा है। अगस्त 2020 में गठित महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का क्रियान्वयन पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। युवाओं के लिए प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2021 से निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट स्मार्टफोन वितरण हेतु जनपदों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं तथा वितरित किए जा रहे हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन / टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2949 चिकित्सालयों को आबद्ध किया गया है। प्रदेश के 1.78 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक 1.84 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। योजना हेतु 560 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री को तो आपने सुन लिया, और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश होने के बाद क्या कुछ कहा है, साथ ही उनके बजट के बारे में अखिलेश यादव जो कि विपक्षी नेता है उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप, प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और ये बजट नहीं, ये बंटवारा है। नेता विपक्ष कितना नंबर देंगे? नेता विपक्ष इस सरकार को इसलिए नंबर नहीं देंगे जिन्होंने पिछले 5 साल का अपना संकल्प पत्र पूरा ना किया हो, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो इस छठे बजट में। अखिलेश यादव ने कहा, और सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि जो अपना संकल्प पत्र नहीं पूरा कर पाए तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है।
और बजट संतोषजनक है या नहीं, इस पे सवाल तो बनते हैं, क्योंकि विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है और हम भी सवाल करेंगे कि जब इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं, इतनी चीजों का जिक्र किया गया है इस बजट में, तो फिर सुविधाजनक क्यों नहीं है बजट? इसमें कमियां कहां देखने को मिल रही हैं, कौन कौन सी कमियां हैं जिनको देखा जा सकता है इस बजट में? योगी सरकार ने अपना छठवां बजट पेश किया है, मिशन शक्ति को 20 करोड़ का बजट मिला है, 5 साल में 2 करोड़ फोन और टैबलेट बांटने की बात भी कही गई है, युवा अधिवक्ताओं के लिए 10 करोड़ रुपए, 3 साल तक किताब और पत्रिका खरीद सकेंगे, बनारस में क्रिकेट स्टेडियम के लिए 95 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यानी कि खेल के क्षेत्र पे भी ध्यान दिया गया है, मेरठ में ध्यानचंद यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ दिए गए हैं, 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का भी लक्ष्य रखा गया है, माध्यमिक शिक्षा में 7,540 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी, मेडिकल कॉलेज में 10,000 पद भरे जाएंगे, वृद्धावस्था पेंशन भी बढ़ा दी गई है, पहले 500 रुपए थी और अब 1,000 कर दी गई है, और इतनी सुविधाएं देने के बाद, बजट इतना बड़ा पेश करने के बाद भी विपक्ष कई सवाल उठा रहा है, इसी में चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ डीआर साहू जी मौजूद है अर्थशास्त्री के तौर पे, दिलीप यशवर्धन जी अर्थशास्त्री के तौर पे मौजूद हैं, देशबंधु दीक्षित जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं, रजी हसन जी हमारे साथ जुड़े हैं सपा से, और हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार भी जुड़े हैं। नितिन, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, जिस तरह से आज का बजट आया है, ऐतिहासिक बजट है, सबसे बड़ा बजट है, तो इसमें जो बहुत सारी उपलब्धियां देखने को मिल रही हैं, बहुत सारी योजनाएं थी जिनके ऊपर बात करी गई है, सरकार ने अपने घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए कहा था कि इसमें पूरा करा जाएगा, तो कितना ध्यान दिया गया है, कौन कौन सी चीजें हैं जो छूट गई हैं इस बजट से? पेश किया गया है, ये बहुत बड़ा बजट है और पिछले बजट से भी बड़ा बजट इस बार पेश किया गया है, और बताया यही जाता है कि जब भी सरकार अपना नया बजट पेश करती है तो पिछली बार से बड़ा ही होता है। दूसरी अहम चीज़, देश में किसी भी राज्य में अगर देखा जाए तो उन राज्यों के मुकाबले इस बार उत्तर प्रदेश का ये जो बजट है ये बहुत बड़ा है, 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का ये जो बजट है, इसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को कैसे विकास की गति पर लाया जाए, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको और कैसे तेज गति दी जाए, कैसे योजनाओं को धरातल पर उतार कर क्रियान्वित कराया जाए, इन सब पर सरकार ने पूरी तरह से फोकस किया है। बजट का, क्योंकि ये पूरा बजट जो था ये पेपरलेस बजट था, और इस बजट की भी सॉफ्ट कॉपी जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है उसमें सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो पहले पन्ने पर ही कानून व्यवस्था और उसके बाद किसान, महिला, बाल कल्याण, युवा, ये पहले दो पन्नों पर सरकार की तरफ से अंकित किया गया है कि इनको कितना कितना बजट कैसे कैसे दिया जाएगा। सबसे पहले सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था पर फोकस किया गया है, किसानों पर फोकस किया गया है, महिलाओं के लिए फोकस किया गया है, कई तरह की चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास, लगभग सभी विभागों में विभागों का बजट बढ़ाने की कोशिश सरकार की इस बार रही है। लेकिन इन सब में अहम चीज़ ये है शिका कि करीब 39,181 करोड़ रुपए की नई योजनाएं जो है वो उत्तर प्रदेश में शुरू की जाएंगी, जिसमें बताया गया है कि कई तरह के जो भत्ते हैं वो जो पहले 300 रुपया मिलता था वृद्ध जो दिव्यांग पेंशन उसे 1,000 रुपया कर दिया गया है, 500 रुपया जो वृद्धाजन पेंशन मिलती थी उसे 1,000 रुपया कर दिया गया है, इसके अलावा आशा बहुओं का भी जो भत्ता है उसे बढ़ाया गया है, बिजली रीवैप एक योजना आई है इसको लेकर के भी सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, क्योंकि बिजली को लेकर के काफ़ी समस्याएं उत्तर प्रदेश में थीं, अब बिजली रीवैप करके एक योजना जो है वो सरकार की तरफ से शुरू की जाएगी। इसके अलावा 1,000 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान के लिए भी सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, कहा गया क्योंकि गन्ना भुगतान या फिर गन्ना किसानों के लिए जो समस्याएँ हुआ करती थी उनके भुगतान को लेकर के इस बार सरकार ने उस पर पूरी तरह से फोकस किया है और 1,000 करोड़ रुपए जो है वो इस बार बजट में उनके लिए दिया गया है। कृषि क्षेत्र, क्योंकि हम सबसे अहम चीज़ यह है उत्तर प्रदेश को लेकर के कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो उत्तर प्रदेश का रहा है शिखा, उसका जो विकास दर रहा है वो कभी भी 4% तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इस बार सरकार ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है और ये कहा है कि हम इस लक्ष्य पे काम कर रहे हैं कि इस विकास दर को हम 5.1% तक ले जाएंगे, जो 4% तक कभी नहीं पहुंचा है उसे 5.1% तक ले जाएंगे, और इसीलिए सरकार ने लघु सिंचाई
सिंचाई से जुड़ी हुई योजनाएं, किसानों को बीज सही तरीके से मिल सके, किसान सम्मान निधि या फिर जो अन्य योजनाएं हैं उनको और कैसे बेहतर तरीके से लाभान्वित किसानों को कराया जाए, इस पर पूरी तरह से जो परफॉर्मा है वो बजट के थ्रू तैयार किया था। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने जनता को, डीआर साहू जी आप किस तरह से देखते हैं इस बार के बजट को, क्योंकि हर एक क्षेत्र में ध्यान दिया गया है, वो चाहे आस्था से जुड़े केंद्र हो या फिर व्यापार हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, तमाम चीजों पे ध्यान दिया गया है, आप कैसे देखते हैं? देखिए जो बजट आज पेश हुआ उस बजट में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें मैं समझता हूँ कल्याणकारी राज्य के हिसाब से जो सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं की स्थिति, गैस सिलेंडर को दो बार एक साल में देना, और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो श्रमिक बच्चों के साथ उन्होंने अनाथ बच्चों को भी जोड़ा और अटल विद्यालय के रूप में 18 जन कमिश्नरी में ये स्थापित अटल विद्यालय खोलने का योजना है। ये एक बहुत सारे अच्छे योजनाएं हैं और इसको सभी लोग उसको स्वागत करते हैं, और उसके आधार पे हम ये कहेंगे कि हेलो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये कहेंगे कि समाज कल्याण के रूप में सरकार की बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ इसमें दिखाई दे रहा है। बात वो नहीं है, बात ये है कि बजट जब होता है तो उसमें रेवेन्यू जनरेशन की भी बात कहीं नहीं आना चाहिए, उसके बारे में यदि बजट में सबको बताया जाता और इसमें कैसे कैसे बजट का जो डेफिसिट है या पिछले कई सालों से जो बजट आपने पेश किया है, जैसे कि अखिलेश जी विपक्ष के रूप में उन्होंने कहा कि इन्होंने अपना संकल्प नहीं पूरा किया, तो वो अखिलेश जी से भी ये उम्मीद करते हैं विपक्ष से भी कि भाई आप इस तरह से कहने से नहीं चलेगा, लेकिन बिंदु बार बनाना चाहिए कौन से मुद्दों पे ये काम नहीं कर पाएंगे, तो उससे एक विपक्ष एक मजबूत विपक्ष का भूमिका बेहतर दिखाई देता कि आपने बेहतर तरीके से अपने विपक्ष की भूमिका निभाई, अरे संकल्प पत्र पूरा नहीं किया इससे काम नहीं चलेगा। तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, ट्रांसपोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, सोलर एनर्जी की बात करें, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करें, इन्होंने बहुत सारी चीजें की और बहुत सारे बातें एक प्रस्ताव के रूप में आया है, और उसमें जैसे कि आपने देखा, मेरा एक निवेदन ये है कि जहाँ तक वाराणसी गोरखपुर की मेट्रो की बात करते हैं, तो अभी भी मेरा एक व्यक्तिगत जो एक ऑब्जर्वर एक अवलोकन के आधार पर मैं बताऊँ, वाराणसी एक पुराने शहर है, गोरखपुर जैसे शहर में इस तरह की मेट्रो की सेवा के लिए एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जरूर आई होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसी विदेशों में, बहुत सारे ऐसी पुराने शहरों में भी यातायात की सुविधाएं बेहतर की गई, जिसमें स्थल विभाग में, जल विभाग में, मेट्रो के आधार पर हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारी पुरानी आर्किटेक्चर है, पुराने जो 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 हमारे शहर की जो पुराने शहर के रूप में जो है उसको नष्ट ना करके उसी में यदि अंडरग्राउंड लेवल पे यदि हो जाए तो कहीं ना कहीं ये बेहतर होगा। ये तो बात की बात है, बात ये है कि ये बहुत सारे स्वागत योग्य है, इस योजना में बहुत सारी चीजें दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका जो ये होना चाहिए कि आंकड़ों की बात है, केवल संकल्प पत्र पूरा नहीं किया, इससे हमको लगता है कि विपक्ष को पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए था, जिससे कि इसको हमारी जो तैयारी है सपा दोनों ने ही निशाना साधा है। रजी जी हमारे साथ सपा से मौजूद है, रजी जी आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि ये बंटवारे का बजट है, क्यों कहा जा रहा है ऐसा कि बंटवारे का बजट है, क्योंकि जबकि भाजपा तो इसे बहुत अच्छा बजट बता रही है, आदर्श बजट बता रही है। आदर्श बजट, डबल इंजन की सरकार का आज जो बजट पेश हुआ है जी, आपको याद होगा इससे पहले भी एक लास्ट बजट इस वित्तीय वर्ष के आखिरी समय पर मार्च में पेश हुआ था जी, उसमें भी बजट में बहुत सारे युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए, खेल के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, व्यापारियों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए बजट और पैसा आवंटन किया गया था जी। मेरे मोबाइल में मैं देख रहा हूँ, पुराना बजट देख रहा हूँ जी, शायद देशबंधु दीक्षित जी सुन रहे हो मेरी बात, आवाज़ सुनिएगा, बजट के लिए आपको बधाई, बहुत बढ़िया बजट आप लाए हैं, पर इसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि बंटवारे का है, तो ये वाकई बंटवारे का है, तो इसके लिए इसका प्रमाण भी मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब भी जो भी
पिछले वित्तीय वर्ष के बजट पर जो आपने मोहर लगाई वो पेश किया जनता के बीच में, चाहे वो खेल जगत का हो और चाहे वो सुरक्षा का हो, चाहे वो व्यवस्था का हो, चाहे वो अधिवक्ताओं का हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे गंगा सफाई का हो जी। जो आज का बजट है, जो पिछला बजट था जी, आप उसको उठाकर देख लीजिए, उसमें सिर्फ नाम परिवर्तन हुआ है, काम वही दिखाए गए हैं, बजट में राशि बढ़ा दी गई, पर कोई भी ऐसा बजट जो पिछला लागू किया गया हो वो आज तक जमीन पर नहीं दिखा। देशबंधु दीक्षित जी बताएं, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं बंटवारे का है, तो वाकई ये बंटवारा है? कैसी सोच है जिस जनता, आप बताइए, किसानों के नाम पर आप वोट मांगते हैं, आज किसानों का क्यों माफी नहीं किया, बिजली माफी क्यों नहीं की किसानों की सिंचाई के लिए, आप ये बता दीजिए। आपने गंगा नदी के नाम पर काम किया, गंगा मैया ने बुलाया है, गंगा मैया की सफाई करनी है, आज बता दीजिए क्या गंगा नदी साफ हुई, नहीं हुई। आपने जो भी बजट पेश किया हमेशा से, और उस पर काम ही नहीं किया। और रही बात संकल्प पत्र की, संकल्प पत्र में तो आप सिर्फ और सिर्फ जनता को और देश की जनता को डबल इंजन वाली सरकार है, बताइए, आपके पास तो इतना डबल पावर है, डबल इंजन की सरकार है, एक एक योजनाओं को डबल करके करना चाहिए था। आप अगर कह रहे हैं कि लिखा है, सुनिए, प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए पिछला बजट, प्रदेश को खेल के बढ़ावा देने के लिए विकास होते योजनाओं के 8,55,00,000 रुपए का प्रस्ताव, यानी कि आप दोनों दूसरी सुन लीजिए, सुन लीजिए, दूसरी सुन, हाँ, आपका क्यों नहीं कंपेयर करेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं कंपेयर करेंगे, एक मिनट, मेरी बात खत्म हो जाए, किया जा रहा है, आप मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, जवाब ले लेते हैं देशबंधु जी, नहीं पूरा, मैं सवाल पूरा कर लूं, देशबंधु जी को मैं सुनूंगा, बहुत आसानी से सुनूंगा, धैर्य से सुनूंगा, हमारे जो है साथ में बैठे हैं तो इनको सुनना भी बड़ा जरूरी है, और वही श्रोता अच्छा है जो सुनता भी है, श्रोता वही, वो प्रवक्ता वही अच्छा जो श्रोता है, हम सुनने का दम रखते हैं जी। आपकी बात, और दूसरा फिर बताया आपको, जनपद मेरठ में 20 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था जी। उस पर कितना काम हुआ, आज फिर आपने विश्वविद्यालय को उसी में इंक्लूड कर दिया, ये पुराना बजट क्यों पेश कर रहे हैं आप जनता को, आप नई योजना, आपने 15,00,000 देने का वादा किया था, डबल इंजन की सरकार है, आपको 30,00,000 देने चाहिए थे, आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था उत्तर प्रदेश और देश में, आपको 4 करोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो डबल इंजन है, आपके पास डबल इंजन है तो कम से कम डबल इंजन वाला काम करिए। आपने क्या किया, आपको एक, आप कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान, आप बता दिए, आपने खेल जगत में दिया पिछले बजट में 5 करोड़, इस बार आपने दे दिया 10 करोड़, आपने विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के लिए दिया 20 करोड़, इस बार आपने बढ़ा दिया 5 करोड़ और उसको 25 करोड़ कर दिया, पिछला बजट कहाँ गया, पिछले बजट में कितना कार हुआ जनता के लिए, कितना आपने पूरा किया, ये बताएं, जवाब भी ले लेते हैं, जवाब भी ले लेते हैं, अगर आपका सवाल हो गया हो तो देशबंधु जी आप क्या कहेंगे, जिस तरह से इस बार इतना बड़ा बजट पेश किया गया लेकिन विपक्ष फिर भी संतुष्ट नहीं है, कई सवाल खड़े कर रहा है, पुराने बजट से कंपेयर करने के बाद भी यही कह रहे रिजवी जी कि पुराना ही बजट है, आप क्या कहेंगे? रजी जी, जी बिल्कुल आ रही, आ रही, व्यक्ति ने देश की सत्ता संभाली थी तो सर्वप्रथम मैं संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सभी सदस्यों को 8 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार के बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रही बात आज अपने जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा छेड़ा बजट, देखिए बजट भविष्य का एक खाता होता है और मैंने सभी वक्ताओं की बात को सुना तो मैं अपेक्षा करूंगा कि मुझे भी थोड़ा समय दिया जाए ताकि मैं अपनी बात को कह सकूं। जी बिल्कुल, देखिए ये बजट है गांव गरीब किसान युवा महिलाओं और चौमुखी विकास का एक पैमाना है। देखिए बजट एक भविष्य का खाका होता है जिसमें हम आय और व्यय का संपूर्ण विवरण देते हैं। और रही बात अभी तक आपने देखा कि हमारे पहले कार्यकाल में 2017 से 22 तक हमारा जो भी लोक कल्याण संकल्प पत्र रहा उसकी बातें एक एक बातें अक्षरशः हमने पूर्ण की। मैं इस बात से असहमत हूँ जो विपक्ष ने हमारे आरोप लगाए, सपा के हमारे मित्र कह रहे थे कि वहां 25 करोड़ दिया 20 करोड़, इस बीते 5 साल में
मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि दो साल का वह वर्ष भी रहा जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच भी हमने बिताया, जहाँ पर हमें लोगों की जीवन की रक्षा हम मान सकते हैं और बाकी किसानों के लिए देखिए फ्री इन्होंने बात कही, हमारे विपक्ष ने किसानों की बात की, किसानों के लिए सम्मान निधि हमारी सरकार ने दिया, हमारी डबल इंजन की सरकार ने ही सबको शौचालय दिया, चाहे प्रधानमंत्री आवास दिया। अभी रोजगार की बात कर रहे हैं तो आपको मैंने बताया ही ODOP में देखिए बजट पिछले चाहिए तुलना करते हैं इस बार 1 district 1 product से बजट हमारा डबल हो गया है। पिछली बार हमने कुंभ जैसा आयोजन भी किया जिसकी साख पूरे विश्व में पहली, और इस बार भी हमने बजट के लिए प्रावधान रखा, बाकी कौशल विकास के द्वारा बहुत सारा औद्योगिक विकास में हम कौशल विकास में क्या कार्य किया। देखिए कौशल विकास की बात छोड़ दी देशबंधु जी, दीक्षित जी आपने अगर कौशल विकास की बात छेड़ी है तो 2017 से लेकर 2022 और ये एक वित्त ये जो आपकी नई सरकार गठन हुआ अभी मार्च को 10 मार्च इसमें आप बताइए कौशल विकास के तहत कितने लोगों को रोजगार दिया। नहीं फिर आप बताएं कि आपने कौशल विकास की बात छेड़ी, बहुत अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार मैं व्यक्त करता हूँ। आप बताइए कौशल विकास के तहत, अरे भाई सुनिए तो यार सुन लेते फिर आपसे पूछ लेंगे। नहीं देखिए मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, अभी आप ही ने बात कही और आप अपनी बात वही वाली बात मैं नहीं पूछ फिर मैं वही सेंटेंस कहूंगा उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांतये पयपानम भुजगनाम केवलम विश्वग्रहम। आपने कहा धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रख लेते जो नहीं एक अच्छा वक्ता जो है अच्छा श्रोता होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर धैर्य नहीं है। सर मैं आपसे अपेक्षा भी नहीं करता हूँ क्योंकि मूर्खों को उपदेश देना ये मेरा काम नहीं। अब आ जाते हैं बात पे बजट भी, देखिए यह एक खाका है और जनता जनार्दन ने हमारे पहले कार्यकाल से 5 साल के कार्यकाल में मैंने बताया जिम्मेदारी के साथ कि 2 वर्ष की वैश्विक महामारी रही, उसके बाद भी अक्षरशः हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र पूरा किया, उसी का नतीजा रहा कि 2022 में इतनी प्रचंड सीट हमें मिली और एक बार पुनः जनता जनार्दन ने ऐतिहासिक हमें जिम्मेदारी दी कि आप 5 साल और 2022 से 2027 तक पूर्ण जिम्मेदारी से कानून व्यवस्था के नाम पर आपने देखा विपक्षियों में सपा या बसपा की सरकारें नहीं 1000 से ज्यादा दंगे हुए कानून व्यवस्था के नाम पे। आपने देखा पिछले 5 वर्ष में एक भी कोई दंगा हमारे जी, हम उपलब्धियों की नहीं हम बजट की बात कर रहे हैं आज तो बजट पे फोकस करिए। मैं बजट पे भी आ रहा हूँ, देखिए बात इन्होंने की ना ऐसी, और रही बात इन्होंने चाहे किसान की बात हो चाहे महिला सुरक्षा की बात, अरे पुलिस विभाग में आपने देखिए इनके कार्यकाल में विपक्ष संतुष्ट क्यों नहीं है, उन्होंने कहा कि इस बार डबल बजट पेश करना चाहिए था। स्थिति में रहते थे और थाने जो है यादव चलाते थे, आज देख लीजिए कानून व्यवस्था देखिए कोई अपराधी, ये हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवटता का प्रमाण है जी। उन्होंने स्पष्ट कह दिया देशबंधु जी आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, मेन जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना चाहिए था, मैं आपके पास लौटती हूँ देशबंधु जी आपके पास लौटूंगी। दिलीप जी हमने सपा और बीजेपी दोनों की बातें सुन ली, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा है बजट पे, आप इसे किस तरह से देखते हैं, काफी उम्मीदें थी लोगों को इस बजट से, तो क्या ये बजट उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा है? सरकार जब बजट लेकर के आती है तो वो उसको अच्छा बताती है और विपक्ष जो भी उस समय रहता है वो उसको खराब कहता है, ये बड़ा कॉमन सा ट्रेंड है। तो ना तो मैं सरकार की वाहवाही अपनी सेल्फ वाहवाही पर जा रहा हूँ ना विपक्ष के क्रिटिसिज्म पर जा रहा हूँ। और अभी आपने देशबंधु दीक्षित जी से जो सवाल पूछे, सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए, बात बजट की चल रही है और वो उपलब्धियां गिना रहे थे। ये जो सब्जेक्ट होता है बात हम लोग सब्जेक्ट पे करेंगे और सरकार और विपक्ष में दोनों की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो आज संसद में सदन में पेश किया गया है। देखिए जो बजट होता है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक कि सरकार के पास पैसा कहां से आएगा और कितना आएगा और सरकार कहां और कितना खर्चा करेगी और साल के अंत में सरकार का डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा, ये मेन चीज होती है देखने वाली कि सरकार ने बजट जो भी एस्टिमेट किया था वो पैसा वहीं एलोकेट किया गया, जो ऑब्जेक्ट से पैसा एलोकेशन होना था वो ऑब्जेक्ट की प्राप्ति हुई और उन ऑब्जेक्ट की प्राप्ति के बाद हमारे पास सरप्लस बच रहा है या डेफिसिट हो रहा है। अगर डेफिसिट हो रहा है तो ये सरकार की नाकामी होती है और अगर सरप्लस है तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने जो प्रोजेक्शन किया था वो प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है।
अब जो आज का बजट है, मैं यहाँ पर आज का जो बजट पेश किया गया मैं उस पर बात करूंगा। इस पर सरकार ने जो एस्टिमेशन किया है 2022 और 23 के लिए, जो टोटल प्राप्तियां सरकार ने ली है विभिन्न मदों से, वो ली है 544,836.56 करोड़ रुपए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 544,836 करोड़ रुपए की प्राप्तियां ये एस्टिमेट करी गई है इस बजट में जी। और इसके अगेंस्ट में जो खर्चा एस्टिमेट किया गया है वो है 545,370 करोड़ रुपए का। यानी कि सरकार ने यहाँ पर पहले ही ये कबूल कर लिया कि जो हमने अपने आय और व्यय का ब्यौरा बनाया है उसमें 534 रुपए का लॉस बियर करेंगे जी। तो 534 करोड़ का लॉस ये एस्टिमेटेड है, तो इसका मतलब एक्चुअल लॉस होगा ही होगा जो पीछे भी रहा है। तो ये जो आपका फाइनेंशियल बजट है इसको बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मैं बाकी किसी और दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट क्या जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं उसकी बात नहीं, मैं सिर्फ फाइनेंसिस पर बात कर रहा हूँ। आपने फाइनेंशियल एस्टिमेशन करते समय ये खुद लिखा है कि 534 करोड़ का लॉस एस्टिमेटेड है जी। अब आपने जो इन आंकड़ों को घुमाया वो कैसे घुमाया कि आपने इसमें 6,000 करोड़ रुपए जोड़ दिए जो लोक सेवा लोक लेखा के आते हैं, यानी कि जो पब्लिक अकाउंट का 6,000 करोड़ रुपया आपके पास आएगा उसको भी आपने अपनी इनकम में जोड़ लिया और उसको दिखाने के बाद आपने कहा कि हम 5,465 रुपए के प्रॉफिट में आ जाएंगे जी। जो एकदम गलत एस्टिमेशन है, क्योंकि जो पब्लिक अकाउंट्स का पैसा होता है वो पैसा सरकार की इनकम नहीं होता है, और जो हम बजट एस्टिमेशन करते हैं वो इनकम और एक्सपेंडिचर का करते हैं। पब्लिक अकाउंट्स का पैसा एक तरीके से सरकार के पास सिक्योरिटी होती है और वो सिक्योरिटी अगले आने वाले समय में सरकार को वापस करनी पड़ती है, यानी कि एक तरीके से जो आपकी लायबिलिटी है उस लायबिलिटी को आपने अपनी इनकम में ऐड कर दिया, जो एक तरीके से आंकड़ों की जादूगरी कही जाएगी। तो बजट अच्छा होगा जो 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 स्कीमें दी गई हैं महिलाओं के लिए, पुलिस की भर्ती के लिए, थानों के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, खेल के लिए, सुरक्षा के लिए, जो भी किया गया है वो सारी चीजें अच्छी हैं, सरकार हमेशा अच्छे के लिए काम करती है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हैं ये फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस अच्छे नहीं है। इसमें आपने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि आप 534 करोड़ के लॉस पर रहेंगे, और उसके बाद मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ जो इन्होंने किया है। इसमें इन्होंने भू राजस्व का 860 करोड़ रुपए एस्टिमेट किया है कि हम भू राजस्व 860 करोड़ रुपए वसूलेंगे, जो पिछले साल 263 करोड़ था। अब डिफरेंस देखिए, 860 करोड़ और 263 करोड़, यानी कि 596 करोड़ का डिफरेंस है भू राजस्व में, यानी कि लैंड रेवेन्यू में। अब लैंड रेवेन्यू किससे वसूला जाता है, लैंड रेवेन्यू वाले देने वाले ज्यादातर किसान होते हैं जी। तो जो किसान पिछले साल तक लैंड रेवेन्यू आपको 263 करोड़ दे रहा था उससे आप इस साल 860 करोड़ रुपया वसूलेंगे। तो ये जो 596 करोड़ का आप वृद्धि दिखा रहे हैं ये किस तरीके से वसूली जाएगी जी। किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए तो आपने कोई बहुत विशेष प्रावधान किया नहीं है, और इतना इंक्रीमेंट किसानों की इनकम में नहीं हो रहा है जितना ज्यादा आपने लैंड रेवेन्यू को एस्टिमेशन कर दिया। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा ये भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे कि ये लैंड रेवेन्यू में 596 करोड़ की बढ़ोतरी कैसे करेगी सरकार, क्या क्या फॉर्मूला लगाएगी। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें हैं जहां पर मैं ये कह सकता हूं कि जो फाइनेंशियल एस्टिमेशन है वो बहुत अप टू द मार्क नहीं है। बिल्कुल नितिन, अगर बात करी जाए नौकरियों की तो इस बार नौकरियों की तो भरमार देखने को मिल रही है। 5 साल में 4 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अगर पिछले साल की बात करी जाए तो ये कह रही थी सरकार कि 4 साल में 4 लाख नौकरियां दी है, तो इस बार तो इस हिसाब से आंकड़ा कम हो रहा है। तो नौकरी की मांग सबसे ज्यादा रखी जा रही थी तो इस बार तो नौकरियां कम हो गई है, किस तरह से देख रहे इसे? देखिए, पिछले 5 साल की बात करी जाए या फिर मौजूदा समय की बात की जाए तो रोजगार को लेकर के काफी हाहाकार उत्तर प्रदेश में मचा है। हालांकि सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें या सरकार की तरफ से बात करी जाए या उनके नेताओं की मंत्रियों की बात सुनी जाए तो उन्होंने ये साफ तौर पर बताया है कि हमने 5 साल में 6.5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया है। अब इसमें कौन सा रोजगार उन्होंने जोड़ा था ये भी नहीं बताते हैं, वो बताते हैं कि सरकारी नौकरियां दी हैं और कुछ ODOP के जरिए लोगों को जो जो लघु उद्योग हैं वो शुरू करवाए गए हैं, या फिर जितनी भी चीज़ें उसने जो जोड़ के बताई जाती हैं, ये तो रोजगार की बात हो गई। और इस बार भी रोजगार के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम सरकारी नौकरियां देंगे। इसके अलावा देखिए, एक अहम चीज़ ये है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में होने वाली है, और बताया जा रहा है कि इस बार जो पिछले बार से भी बड़ा पैमाना इसका होगा, 75,000 करोड़
रुपए की जो योजनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में शुरू होंगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का जो सेकंड पार्ट है उसके जरिए। पहले पार्ट से कितना लाभ हुआ कितना लाभ नहीं हुआ ये तो सरकार लगातार बताती आई है, लेकिन दूसरे पार्ट में जो 75,000 करोड़ रुपए की जो योजनाओं की बात कही जा रही है उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो लघु उद्योग है जो रोजगार है उसको काफी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन लगातार शिखा मैं देख रहा हूँ कि संकल्प पत्र की बात हो रही है या फिर कुछ ऐसे मुद्दों की बात हो रही है जिसको कहा जा रहा है कि सरकार को सोचना चाहिए था करना चाहिए था, और बजट शुरू होने से पहले भी लोग इस पर चर्चा कर रहे थे जिसमें बच्चियों को स्कूटी देना, महिलाओं को परिवहन बसों की मुफ्त सफर के लिए और किसानों के लिए सिंचाई की बात कही जा रही थी। तो इस पर कहीं ना कहीं इस बजट में सरकार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, कोई भी बजट या कोई भी ऐसी बड़ी घोषणा नहीं की गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जब अनुपूरक बजट आएगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रूपरेखा तय करके सरकार इस पर एक बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन रोजगार की बात अगर करी जाए या युवाओं के कल्याण की बात करी जाए तो स्टेडियम बनवाए जा रहे हैं, खेलों के किस तरह से जो खिलाड़ी हैं उनका उनको बेहतर विकास से जोड़ा जा सके, उनको और बेहतर जो 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 उनकी योग्यताओं के अनुसार जो भी प्राथमिकता हो सकती है वो सरकार की तरफ से देने की कोशिश है। तो कई सारे मुद्दों पर सरकार ने इस बजट को पेश तो किया है, लेकिन ये बजट कितनी बेहतर तरीके से जमीन पर उतरता है, कैसे क्रियान्वित होता है ये देखना अहम होगा, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष लगातार अब सरकार को घेरने लगा है और उसमें बजट सबसे अहम है। और ये कहा जा रहा है कि सरकार की नीयत नहीं है सही तरीके से ताकि वो जनता के लिए सोच सके, और इसी वजह से बेहतर जो बजट है वो सरकार की तरफ से पेश नहीं किया गया है। तो कई सारे जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आज बजट पेश हो गया है, कल बजट पर भी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले जो राजनीति है वो काफी गरमाई हुई है। और रोजगार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उम्मीद बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश से अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती हो गई या UPSI भर्ती हो गई, कई सारी भर्तियों को लेकर के लगातार अभ्यर्थी जो है वो चक्कर काट रहे हैं, और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिली हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी सरकार से कि कुछ इस बार बड़ा फैसला होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी देशबंधु जी, जिस तरह से नौकरियों की बात करी जा रही थी, काफी प्रदर्शन भी प्रदेश में देखने को मिला। इस बार माना जा रहा था कि ज्यादा नौकरियां देने का लक्ष्य होगा, लेकिन इस बार तो कम दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए भी कुछ खास नहीं है, किस तरह से आप इस बार मैनेज करेंगे? 5 साल सरकार चलानी है और अभी से विपक्ष हमलावर हो गया है। देखिए सर्वप्रथम तो मैं कह रहा हूँ नौकरियों की जो बात है, देखिए मैंने पहले भी कहा नौकरियों पर, देखिए सरकारों की तुलना अगर हमारी सरकार से करेंगे तो सरकारों में तो भ्रष्टाचार का बोलबाला था। एक पार्टी विपक्ष की पार्टी संगत प्रधानमंत्री ने कहा एक रुपए बेचते हैं तो भ्रष्टाचार होते होते वो जनता तक पत्र पर जी। इस बात में इतना ही कहूंगा हमारी सरकार 5 साल की डबल इंजन की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो कोई ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और दूसरी बात आपको बताऊं 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन बहुत समझदार है, इसने हमें आशीर्वाद देके दोबारा हमें 5 साल समझदार तो है, लेकिन जिस तरह से आप जादूगरी कर रहे हैं उसका क्या करेंगे? जी दिलीप जी ने अभी बताया किस तरह से पूरा बजट बांट है, क्या लाभ मिलेगा? नहीं मेरी सरकार की आप सरकार की तारीफ कम, बजट के बारे में बताइए दीक्षित जी कि जनता को कैसे लाभ मिलेगा, किसानों को कैसे बिजली फ्री मिलेगी, देखिए कैसे कब तक देंगे रोजगार, कब तक देंगे नौकरियां, कब तक देंगे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, अपराधियों के बारे में? इसके आपने बजट तो बहुत अच्छा डबल इंजन वाला भेज दिया, मगर कम से कम बताइए इसको लाभ कब तक मिलेगा लोगों को? डबल इंजन की सरकार आप मुझे बोलने देंगे नहीं तो मैं इंटरप्ट करूंगा। कहने सुने या धैर्य रखे साथ जवाब दे दिया करें या सुना करें, आप बोलते हैं तो मैं तो सुनता हूँ, तब तो आप बड़े उत्तेजित हैं। मैंने पहले भी कह दिया या तो सुना करिए, धैर्य न हो तो चुप रहा करिए। बहुत अच्छा बजट है और आप बजट का पूरा अध्ययन करिए, बहुत सारी योजनाएं हैं युवाओं के लिए किसानों के लिए। हमने किसान को सम्मान दिया, आपकी तो 5 साल की सरकार थी, आपने कितना सम्मान दे दिया किसानों का? सम्मान होता है, किसान अन्नदाता है, गाड़ी नहीं चढ़ाई जाती उसके ऊपर, फिर आप आ जाएंगे मुद्दे पर, फिर आप जब जवाब नहीं दे पाते तो मुद्दे से भटक जाते हैं। नहीं ये बता दीजिए क्या किसानों की बात करते हैं? किसानों को कहां से बिजली फ्री दे दी आपने? किसानों की हत्या करने वाले लोग किसानों के पक्ष में बात करेंगे? आपका बजट
सिर्फ व्यापारियों के लिए, सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है, पूंजीपतियों के लिए आपने बजट बनाया है, सिर्फ बजट पास किया। आप बताइए जमीन पर कूड़ा बिकने वालों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बिटियों के लिए स्कूटी कितनी आपने बांटी बताइए। आपने पिछले वर्ष तो आप घोषणा पत्र में लिखा स्कूटी बांटेंगे, लैपटॉप बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे, कितनी महिलाओं को, कितनी बच्चियों को टैबलेट दी, कितनी बच्चियों को आपने आपने बताइए स्कूटी दी, कितनी बच्चियों को नौकरी दी, कितने नौजवान को नौकरी दी। आप ये बात कर रहे हैं, आप डबल इंजन वाली सरकार का बजट पेश कर देते हैं, उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को और बढ़ावा दे देते हैं। आप खाली आप कुछ नहीं करना चाहते। किसानों की बात करेंगे आप, किसानों के हत्यारे किसानों की बात करेंगे, किसानों पर ना गाड़ी चढ़ाने वाले किसानों पर बात करेंगे। आप मुद्दे से आपके पास जवाब नहीं, मुद्दे से भड़क रहे हैं। आप बजट पर कुछ कह नहीं सकते, आप बजट पर कुछ कह नहीं सकते, आप बजट आपको बजट में कहने के लायक है नहीं। आपका बजट वाकई बंटवारा है, आपका बजट वाकई बंटवारा है। बताइए खेल के नाम पर भी पैसा गबन, पिछले बजट में भी वही पैसा पास किया, आज भी वही। आप बताइए अरे बड़ा सम्मान दिया, थार गाड़ी चला दी आपने, पता लखीमपुर में आपने बहुत बड़ा किसान को सम्मान दिया था, आप भूल रहे होंगे। अरे दीक्षित जी आप भूल गए होंगे, किसानों को सबसे बड़ा सम्मान आपने लखीमपुर में दिया था, किसानों को लखीमपुर में बहुत बड़ा सम्मान दिया था आपने। किसान पूरे देश में बैठा था, किसान नीचे कर दीजिए, एमएसपी के लिए पूरे देश में बैठा था। रजनी जी की आवाज भी नीचे कर दीजिए, पहले उसका नाम आ जाता है। दोनों की आवाज नीचे कर दीजिए, मैं डीआर साहू जी के पास जाऊंगी। डीआर साहू जी, जी रजनी जी मैं आपको रोक रही हूँ। साहू जी, इस बार का बजट काफी उम्मीदों से भरा माना जा रहा था, लेकिन व्यापारियों को इससे काफी उम्मीदें थी, व्यापारियों के लिए कुछ खास देखने को नहीं मिला है? देखिए उत्तर प्रदेश के बजट की बात यदि करें, कोई भारत के भारत की छोटे छोटे दूसरे राष्ट्र को देखेंगे तो ये लगभग उसी तरह की बजट है। जहाँ तक छोटे उद्योगों की बात है, जहाँ तक इन्वेस्टर्स की बात है, तो आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ उसके बाद सरकार बने 2017 में, उसके बाद इन्वेस्टर समिट भी हुआ, बहुत सारे इन्वेस्टर को बुलाया गया था, उसको बड़े अच्छे तरीके से इसको किया गया, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट है, उसका जो जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, उस परिणाम को यदि देखें तो बड़ी उत्साहजनक नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं कि 3 जून के बाद वो करेंगे, तो बात वो नहीं है, बात ये कि खाली अपनी कमिटमेंट के साथ अपनी जो काम कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स की बात करें, उसके लिए एक सही वातावरण चाहिए, सही माहौल चाहिए। उस माहौल के हिसाब से यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री फ्रेंडली एटमॉस्फेयर की बात यदि करें, तो उसके लिए कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस की बात है। हो सकता है 2017 से 22 में नहीं हुआ तो 2022 से 2027 में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें जहां तक इंडस्ट्री, जहां तक उद्योग, जहां तक उद्यमिता की बात है, जहां तक एक माहौल की बात है, इसमें एक बहुत बड़ा काम तो हुआ है, जिसमें आप कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर और जो माफियाओं की जो एक एक बहुत बड़ा दबदबा था उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब समाज में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं एक माहौल की बहुत बेहतर जरूरत है। वो जो माहौल है वो धीरे धीरे उद्योग और उस तरह से चीजों को आगे ले सकता है। आपकी तरफ लौटेंगे, अभी हम सवाल कर रहे हैं, हम मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा करने बैठे, लड़ाई करने नहीं बैठे हैं, लौटेंगे आपके पास। दिलीप जी, ये पूरा बजट तो आ गया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ देखा जाए तो कमियां बहुत सारी देखने को मिल रही हैं। एक दो कमी नहीं है, बात करी गई थी कि वादे पूरे करे जाएंगे, लेकिन किसानों को हालांकि सोलर पंप की और जिस तरह से दी गई हैं रियायतें और उनके लिए बजट में पेश किया गया है, वो चाहे बीजों के वितरण की बात हो या फिर अन्य चीज़ों की बात हो, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार को आने वाले समय में, आने वाले बजट में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? शिखा जी, कमियां हैं या अच्छाइयां हैं मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं तो फैक्ट की बात कर रहा हूं। और बजट का मतलब बजट, बजट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब जो आर्थिक स्थिति प्रदेश की है और जो अगले साल रहने वाली है, जिसको सरकार देख रही है, वो बातें बजट की होती है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर से या इसको करने से उसको करने से दुनिया भर की बातें हो रही हैं जो हमेशा एक पॉलिटिकल बहस हो जाती है, उससे मतलब नहीं। यहाँ पर हमको फाइनेंशियल बहस करनी है और
स्टेटमेंट या जो प्रदेश की स्थिति होती है, वित्तीय स्थिति होती है, वो तब अच्छी मानी जाती है जब आपका नुकसान ना हो और आपके ऊपर कर्जा कम से कम हो। अब आप इसी बजट का अगला पार्ट अगर देखेंगे तो जिसमें सरकार ने एस्टिमेट किया है कि वो कितना कर्जा उठाएगी अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो बाजार से कितना कर्जा लेंगे, बाजार से जो पिछले साल कर्ज लिया था उन्होंने वो 73,972 करोड़ रुपए था, 22-23 में जो एस्टिमेशन वो 74,150 करोड़ रुपए, यानी कि 178 करोड़ रुपए ज्यादा कर्जा उठाएंगे बाजार से। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इतना कर्जा उठाएंगे तो उसके ऊपर आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, तो ब्याज देने का मतलब है कि सरकार का नुकसान है। इसी के साथ साथ आपने और इंस्टीट्यूशन से लिखा है, आपने लिखा है कि नाबार्ड से आप 2,500-2,500 करोड़ का कर्जा लेंगे, जो पिछले साल 2,200 करोड़ था उसमें भी आपने 300 करोड़ का इजाफा कर दिया। इसी तरीके से आपने आरबीआई से एडवांसेस की बात करी है, आरबीआई से एडवांसेस पिछले साल 0 था, इस बार आपने 10,000 करोड़ का एस्टिमेशन किया है जी। तो टोटल जो कर्जा आपने लिया है अलग अलग इंस्टीट्यूशन से उसमें जो बढ़ोतरी करी है पिछले साल के कंपैरिजन में वो 9,442 करोड़ रुपए की करी है। अब 9,442 करोड़ रुपए का आप ब्याज सोच लीजिए कितना जाएगा, वो ब्याज क्या है, वो ब्याज प्रदेश का नुकसान है जी। प्रदेश की फाइनेंशियल स्थिति को कमजोर करेगा और ये कर्जा अगर आपका बढ़ता चला जाएगा तो स्टेट की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो खराब हो जाएगी। तो मैं फाइनेंशियल स्थिति को जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए या जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका स्टेट एक साल में फायदे में रहे न रहे लेकिन नुकसान में नहीं रहना चाहिए। कर्ज की तरफ बढ़ना, और अगर आपके ऊपर कर्जा आ रहा है, अगर आपके ऊपर कर्जा आ रहा है तो उतनी कोरस्पॉन्डिंग या तो आप असेट तैयार करें, लेकिन ये जो कर्जा है ये कर्जा असेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये बल्कि आपकी लाइबिलिटीज को जो आप फ्री की स्कीमें चला रहे हैं, जैसे अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि लैपटॉप और बिजली और सब फ्री कब दी जाएगी, मैं फ्री के बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्यों फ्री दी जानी चाहिए, क्यों लैपटॉप फ्री बांटे जाने चाहिए, क्यों बिजली फ्री दी जानी चाहिए किसी। बिल्कुल, हम कंक्लूजन की तरफ कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं। बिल्कुल, फ्री की जो पॉलिसी होती है वो कहीं ना कहीं नुकसान देती है। फ्री जनता को हम दे देंगे तो जनता उसकी आदी हो जाएगी, लेकिन हमारे प्रदेश की उन्नति नहीं हो पाएगी। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, हम इस डिबेट को यहीं रोकना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से देशबंधु दीक्षित जी जुड़े थे, डीआर साहू जी जुड़े थे, दिलीप यशवर्धन जी अर्थशास्त्री के तौर पर जुड़े थे, और रजी हसन जी हमारे साथ जुड़े थे सपा प्रवक्ता के तौर पर, नितिन कुमार हमारे साथ संवाददाता जुड़े थे। तो हमने सभी से इस बार के बजट पर चर्चा की, हालांकि कमियां भी हैं और अच्छाई भी देखने को मिली है इस बजट में, लेकिन अगर अच्छाइयों की बात करें तो जो इस बार का बजट का आंकड़ा बढ़ाया गया है वो कहीं ना कहीं प्रदेश को कर्ज की तरफ बढ़ा रहा है। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है सरकार को कि हम कर्ज लेके बजट तो अपना दिखा दे रहे हैं लेकिन वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, और आने वाले समय में इस बजट को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि बजट बना दिया जाता है कागजी तौर पर, सारे काम हो जाते हैं लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाते। जैसे नौकरियां देना, नौकरियां वो पेपर वर्क पे तो हो जाता है लेकिन क्या सच में जनता को नौकरी मिल पाती है, सरकारी नौकरी मिलती है या फिर प्राइवेट सेक्टर्स में उनको काम दिया जाता है, तमाम चीजों पे चर्चा करना बनता है। लेकिन हमारे पास समय की कमी है, अगली बार फिर से हम चर्चा करेंगे, जो मुद्दे रह गए उनको उठाएंगे और आंकड़ों के साथ बात करेंगे। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।